तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं AK टायर से, अपना AK। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू कम से कम तो भी 10 मिनट तो भी देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, पूरे 1 घंटे की, ठीक है? सो आप लोग कैसे हैं मेरे सब्सक्राइबर लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। और मैं अभी एक बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग, मतलब मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे बोल रहे थे कि टायर का बिजनेस कैसा है, 2024 में खोलना, क्या इसमें इनकम अच्छी खासी हो पाती है? तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या प्रोसेस है, मतलब कितना इनकम होने वाला है, कितना मार्जिन है, किस चीज़ में, और क्या क्या मतलब किस एरिया में मतलब दुकान करें कि सही चले, और मतलब होलसेल का भी खोलें तो कैसा चलेगा होलसेल का दुकान। तो देखो, एरिया वाइज देखा जाए तो अपना स्पॉट अच्छी होना चाहिए, कोई भी, चाहे पंचर दुकान हो चाहे होलसेल का दुकान हो। जैसा कि होलसेल का खोल रहे हैं आप, तो आपको मस्त मतलब देखना चाहिए कि अपने इलाके में कितने पंचर दुकान है, क्या दुकान मतलब कहीं और से तो सामान नहीं ले रहा है वो, मतलब पहले से मतलब ज़्यादा मतलब कंपटीशन तो नहीं है होलसेल के दुकान में। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, और कस्टमर्स मतलब जितने भी पंक्चर वाले होते हैं, ठीक है? सो पंक्चर, तो एक काम करते हैं, पहले पंक्चर वाले के बारे में बता देते हैं कि आपको कैसा टायर दुकान खोलना चाहिए, मतलब क्या क्या प्रोसेस है पंक्चर दुकान में, क्योंकि होलसेल का तो थोड़ा अलग है, तो इसको मतलब आधे इसके बाद में बताएंगे, ठीक है? सो अपने पंचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्पॉट अच्छी ढूंढिएगा आप लोग, मतलब होटल वगैरह हो गया, चाहे सिटी में ढूंढ रहे हैं तो कोई पंप वगैरह का एरिया हो गया, चाहे आप खोल भी रहे हैं सिटी में तो थोड़ा पार्किंग होना चाहिए, ठीक है? और थोड़ा बनावट अच्छा करिएगा दुकान का अपना, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर आपके दुकान को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दुकान आपका अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। और मतलब जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा चलता हो सिटी में और कस्टमर्स आपके तरफ आए ज़्यादा, आजू बाजू में मतलब थोड़ा दूरी पे दुकान हो, तो आपका मतलब बहुत ही अच्छा स्पॉट होने वाला है वो। और पंप पे तो बहुत ही अच्छा दुकान चलता ही है सब सिटी में, तो उसका तो दिक्कत ही नहीं है। अगर हाईवे से खोल रहे हैं तो अच्छी होटल देख लीजिएगा, उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा आप कि होटल कैसी चलती है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह रुकती है कि नहीं, या कोई ढाबा भी हो गया, चाहे कोई अच्छा सा मतलब मार्केट हो गया तो उसमें खोल रहे हैं आप लोग, तो सब देखिएगा। मार्केट मतलब गाड़ी रुकना चाहिए वहाँ पे, कस्टमर जब तक आएगा नहीं आपके पास तो आपको मतलब पंक्चर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। तो कहने का मतलब यह है कि आप जगह तो अच्छी खासी देख लीजिएगा, लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा आपका, तो उसमें क्या क्या सामान लगने वाला है, आपको कितना बजट है। तो बजट की बात कर ले तो आपको मिनिमम कम से कम 1 लाख तो लगने वाला है, ठीक है? उससे कम से कम करेंगे, कितना भी मतलब गिरवी करेंगे तो 80,000 तो कंपलसरी सेकेंड वगैरह का मशीनरी वगैरह लेते हैं तो 80,000 तो जाएगा ही आपका बजट। तो सबसे पहले आपको टंकी कंप्रेसर लेना है। अगर आप सिटी में खोलते हैं तो आप छोटा कंप्रेसर मतलब 300 पॉइंट या 500 पॉइंट का ले लेते हैं तो चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 500 पॉइंट तो बड़ा हो गया, 300 पॉइंट में भी आपका काम चल जाएगा, तो आपको 30,000 से 35,000 के बीच में आपको न्यू सेट मिल जाएगा, ठीक है? तो न्यू सेट, एक मिनट अभी थोड़ा, हाँ, तो 30,000 से 35,000 में आपका न्यू सेट 300 पॉइंट का मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक टामी हथौड़ी मतलब जितने भी पंचर रिपेयर का किट होता है, और ट्यूब वगैरह जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप नया ट्यूब टायर वगैरह रख सकते हैं, बाइक का ट्यूब हो गया, कार का सेकेंड टायर वगैरह हो गया, उसमें मार्जिन बहुत अच्छी है, ठीक है? मतलब 500 का खरीद के लाए तो 1500 का बेच दिए, 1200-1300 का बेच दिए, तो मतलब डबल का ट्रिपल का प्रॉफिट हो गया उसमें आपका, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बताते चले आपको कि ट्यूब वगैरह का मार्जिन क्या है, तो आपको 200 से 250 रुपये का मार्जिन, 200 रुपये तक कंपलसरी आपको हर एक ट्यूब में, आपको न्यू ट्यूब में बाइक के मार्जिन देखने को मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और जानकारी देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी देने वाली है, लॉन्ग वीडियो होने वाली है, लेकिन आप लोग अगर देर तक टिके रहे तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा मैं, ठीक है? और बताते चले कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर न्यू टायर वगैरह रख लेना है, जैसा कि
कस्टमर की डिमांड ज़्यादा सीएट और एमआरएफ का चलता है, तो एमआरएफ कंपनी का टायर रखना है, सीएट कंपनी का, अदरवाइज दूसरा जेके वगैरह रखते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, मतलब सेल करने में कस्टमर को बहुत समझाना पड़ता है, और सीएट एमआरएफ का रहा तो आप मतलब समझाने की दिक्कत नहीं है और मन चाह पैसा भी ले सकते हैं, 1800 से 2000 मतलब 300-400 रुपये का मार्जिन आराम से टायर में भी ले सकते हैं आप लोग, 200 भी मिल रहा है तो आराम से बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेल आपका अच्छा है तो 200-200 करके ही अच्छी खासी इनकम कर लेंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पंचर वगैरह अच्छी, मतलब पंचर के चार्ज बता दूँ तो हमारे एरिया में अभी 50 रुपये बाइक का चार्ज लेता है, ट्यूबलेस हो या ट्यूब वाला हो, या मतलब खोल फिटिंग का भी 85 रुपये लेते हैं सबका, मतलब इसमें भी है, और 300 से 350 रुपये ट्यूब का बिक्री है मतलब, तो उसमें आराम से 200 रुपये आप कमा ही लेंगे, और दिन भर में 10-15 पंचर भी आ गया आपका तो उसमें ट्यूब वगैरह 2-3 रहेगी डली जाएगी आपको, और टायर वगैरह 1-2 भी बिक गए तो उसमें भी अच्छी खासी मार्जिन हो जाएगी। तो आपको बता दें कि अगर बड़ा गाड़ी का काम है तो बड़ा गाड़ी में आपको नट खोलने का मशीन भी लगेगा, उसका 100 रुपये अलग चार्ज लग जाता है, जैक वगैरह रखते हैं आप तो उसका भी चार्ज ले सकते हैं अपने गाड़ियों का, अगर आप मतलब गाड़ी के अंदर जैसा फोर व्हीलर का पंचर हो गया ट्यूबलेस का है तो उसका जो खोलने का अंदर से जो कार के अंदर से टायर जो निकालते हैं उसका भी चार्ज आप लोग 100 रुपये अलग से चार्ज जोड़ सकते हैं, अदरवाइज 100 से 200 रुपये पंचर ट्यूबलेस का जोड़ता है वो अलग, मतलब 300 से 400 रुपये आप एक पंचर का ट्यूबलेस का कार वालों से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मतलब कस्टमर जितना भी राज़ी हो जाए 200 में भी राज़ी होता है, कोई कोई 400 में 500 में भी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मतलब कस्टमर के ऊपर है कि किस मिजाज का कस्टमर है, कंजूस तो नहीं है, खड़ूस तो नहीं है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। और बताते चले आपको कि ट्रक वगैरह का भी अच्छी खासी मार्जिन, मतलब पेच वगैरह का बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा, मतलब 10-10 गुना आपको प्रॉफिट देकर जाएगा पेच, अगर आप पेच डालते हैं तो। और मेरे मतलब बात कर ले कि आप मंथली इनकम कितना पंचर शॉप से कर सकते हैं, ठीक है, तो मंथली इनकम की बात कर ले आपको, तो मंथली इनकम आपको कम से कम तो भी 20,000, कम से कम आपको 20,000 दे के जाएगी आपको पंचर दुकान में, और हाईएस्ट आपको 1-2 लाख रुपये, अगर आप अच्छी खासी मतलब पंचर शॉप चल रहे हैं आपका तो 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तो आराम से छाप लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में आपका, मतलब पूरा मतलब खर्चा बता दूँ आपको 1.5 से 2 लाख रुपये, अच्छा 2 लाख बहुत हाईएस्ट हो गया, अगर टायर वगैरह नया रखते हैं तो 2 लाख तो आराम से बहुत ही अच्छा आराम से 1 लाख रुपये आप मतलब इनकम कर लेंगे, अगर आप सिटी में हैं आपके स्पॉट अच्छा है या ट्रक का भी काम कर रहे हैं तो आपका हाईवे से पंचर वगैरह ज़्यादा आता है तो उस पर भी अच्छी खासी इनकम कर लेंगे आप, तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं जब काम करता था ना पंचर का तो मैं 1.5 से 2 लाख रुपये कमा लेता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ पता है, जब हाईवेज वगैरह थोड़ा बन गई ना, मेरा हाईवे पर दुकान था तो बहुत ही अच्छी इनकम होती थी, लेकिन मेहनत भी है काफ़ी ज़्यादा उसमें, तो कोई नहीं आदत पड़ जाती है उसकी, तो लेकिन इनकम बहुत अच्छी है सीरियसली, आप 10,000 का मतलब उसमें पेच ट्यूब वगैरह रखेंगे ना तो आराम से 50,000 का कमा लेंगे, मतलब 10,000 मतलब 5 गुना प्रॉफिट दे के जा रहा था उसका मेरा सामान 10,000 का, ठीक है, और मेहनत वगैरह वो अलग आप हटा लो, तो ये सब बात होती है। और सिटीज़ वगैरह में ये है कि आपको 50-50 करके लेकिन अच्छी खासी 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक के आप इनकम कर लेंगे आप पर डे प्रॉफिट सिर्फ आप पंचर के शॉप में, जो कि इतना अच्छा मार्जिन होती है पंचर के शॉप में, लेकिन मेहनत वाला काम होती है, थोड़ा हाथ वाथ गंदा हो जाता है तो इसमें थोड़ा लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है, मतलब क्या सरकारी जॉब वाला काम करेगा, लोग सरकारी बिजनेस करो बिजनेस, मैं कभी आज तक ज़िंदगी में जॉब नहीं किया हूँ, कितना भी कुछ भी मतलब मेरा कंडीशन ख़राब भी हो गया था तभी मैंने जॉब नहीं किया, मेरे पास जब अपना शॉप खोला था मैंने होलसेल का, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का था पूंजी था, ठीक है, उसमें भी थोड़ा रेंट वगैरह ये मतलब डिपॉजिट वगैरह दे हुए के मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ मेरा पर्सनल देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये मेरे पास थे, ठीक है, होलसेल का दूंगा, होलसेल का करना है 60,000 पूंजी है बस, समझ जाओ इसमें क्या हाल हो गया होगा मेरा, तो मैंने इधर उधर से करके 1-2 लाख का जुगाड़ किया, फिर मतलब स्टार्टिंग कर दिया मैंने 1.5 लाख में स्टार्ट कर दिया था, और आज मेरे दुकान का बजट लगभग 10 लाख प्लस है, ठीक है, तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपना किसी भी हालत में, है ना, सेल पे ध्यान दो, अगर सेल कम है आपका तो देखो कस्टमर क्या मांग रहा है, मतलब दूसरे तरफ क्यों जा रहे हैं कस्टमर, और अपने तरफ कैसे खींचे, आपको प्राइस का है तो प्राइस थोड़ा ड्रॉप कर दो स्टार्टिंग में, फिर देखा जाएगा धीरे धीरे अपना कस्टमर बन जाएगा तो थोड़ा बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल घटने मत देना अपना दुकान पे, ठीक है, शॉप पे, और होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा किसी भी बिजनेस में आप सेलिंग जब तक नहीं होगा कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे नहीं, शॉप पे आएंगे नहीं, तो आप कमाओगे क्या, तो कस्टमर्स का आना बहुत ज़रूरी है
शॉप पे, और उससे आप फर्स्ट टाइम कस्टमर आ रहा है तो उससे क्या व्यवहार रखते हैं आप, किस तरह से बात करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाती है कि नहीं आपकी बातें, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई। और बात कर लें आपको होलसेल का शॉप कर रहे हैं आप, तो होलसेल में मार्जिन बहुत कम रहती है, ठीक है, लेकिन उसमें सेलिंग ज़्यादा हो ना तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छी है होलसेल के इसमें। क्योंकि देखिए कोई भी पंचर वाला अगर एक ट्यूब डालता है तो 200 रुपये कमाता है, लेकिन आप होलसेल का कर रहे हैं तो यही 20 ट्यूब बेचेंगे तब जाके आप 200 रुपये कमाएंगे होलसेल के अंदर, क्योंकि 5 से 10 रुपये का मार्जिन लेना है इसमें, तो इससे समझ जाओ आप। लेकिन आपका होलसेल में है कि पंचर वाले थोड़ा बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा उनसे अच्छे से बात करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है होलसेल वालों का, और मतलब छोटी छोटी बातों का कि वो बुरा ना मान जाए, ये वो पंचर वालों के अंदर एक कमी है वो भी बता देता हूँ मैं। होलसेल वालों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि किधर उधर का भी ट्यूब रहेगा, मतलब पंचर करके लेके आ जाइए और बोलेंगे भाई ट्यूब में कोई कंप्लेन आ गया चेंज करके दो, ये क्या भाई, मतलब कंपनी रहती है जॉइंट का, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो उसमें मतलब कंप्लेन वगैरह हो जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं मतलब पंचर हो गया, कील उल घुस गया, तो वो भी कंप्लेन में लेके जाते हैं, जैसा कोई दूसरा कंपनी का माल बेच रहे हैं और उसमें कोई दूसरा कंपनी लेके आ गया, बोले भाई ये भी क्लेम कर दो, ये क्या भाई, भाई जब मैं उसको ट्यूब बेचता ही नहीं वो वाला तो क्लेम कैसे होगी, और आप ये जो पंचर करके ला रहे हो कंपनी इसको लेगी नहीं और मैं मतलब लेता हूँ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं 10 रुपये कमाया नहीं, आप 100 रुपये का मेरा नुकसान कर दे रहे हैं, ये क्या हो रही है मतलब। तो ये सब बातों का बहुत ध्यान देना पड़ता है होलसेल में, तो इस पर मैनेजमेंट थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ता है कि कस्टमर को समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, आप इसको 100 में बेच लो, आप मुझे देते हो, मान लिया मैंने रख लिया मेरा 100 का नुकसान हो जाएगा, अगर ये ट्यूब आप सेकेंड में बेचोगे तो 100 से 150 में आराम से बेच लोगे आप, तो ये सब बातों का भी ध्यान दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और मार्जिन की बात कर ले तो एक ट्यूब पर आपको 10 से 20 रुपये का मार्जिन, अगर आपका कितना में परचेस कर रहे हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है होलसेल वालों का, और ये सब देखना पड़ेगा आपको, और तो 10 से 20 रुपए का मार्जिन आपको कोई भी चीज़ पे मिल जाएगा, एक एक दो दो रुपए भी मिलता है, 5 रुपए भी मिलता है इस पे। और रही बात कि लोकेशन कैसा हो, तो देखिए लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है होलसेल के अंदर भी, अगर आप किसी होलसेल में कर रहे हैं तो आपका एरिया वाइज में कितने पंक्चर दुकान है, कितने लोग आ सकते हैं आपके पास, किधर किधर कस्टमर बंधे हुए हैं, मतलब तो उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, क्या सेलिंग है, मतलब ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो ये सब बातों का ध्यान देना है आपको। और रही बात कि किस किस मतलब कंपनी से मैं डीलरशिप कर चुका हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा येट और TVS वालों से चलता है मेरा, और MRF का तीन कंपनी से मैं डील करता हूँ, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरा TVS का मतलब टायर सेल होता है अभी तो फिलहाल में, क्योंकि उसमें थोड़ा सस्ता भी हो गया और फुल गारंटी वारंटी देता हूँ मैं, इसका क्वालिटी भी अच्छा है, कोई शिकायत नहीं आता है। और रही बात इसके कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट हैंड टू हैंड कस्टमर को देता हूँ मैं कि भाई ये लो आपको नेक्स्ट वीक में, मतलब एक हफ्ते का टाइम लेता है, एक हफ्ते का भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ वहाँ पे, मतलब भेजता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे ही भेजने, मैं खुद नहीं भेजता हूँ, तो मैं कस्टमर से एक हफ्ते का टाइम ले लेता हूँ और उनको कंफर्म रिप्लेस करवा कर दे देता हूँ। तो ये सब बात है, MRF में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, MRF का मतलब क्लेम में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत इधर उधर मतलब भाग दौड़ वाला सिस्टम बहुत है उसमें, सीएट का भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीएट का सर्विस भी अच्छा है। और रही बात आपको ट्यूब कौन सी कंपनी के रखना चाहिए, तो मार्केट में भाई
डॉल्फिन और सीएट एमआरएफ, ये तीन कंपनी छाया हुआ है। डॉल्फिन सबसे सस्ता में टूर प्रोवाइड करती है और मैं तो 130 रुपये में डॉल्फिन का टूर बेचता हूँ, ठीक है, होलसेल में। तो 130 रुपये में कस्टमर्स का अच्छा मार्जिन बच जाता है, मतलब 350 का भी बेच रहा है बंदा तो मतलब अच्छा 220 रुपये बच जा रहा है ना, मतलब तो बहुत ही अच्छा मार्जिन है। डॉल्फिन का भी और रबर क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर ले उसकी सीएट की, सीएट तो भाई कंप्लेन आता ही नहीं है उसमें, ट्यूब का क्वालिटी रबर क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है सीएट, मतलब नाम बोलते से कस्टमर बोलता है डाल दो भाई कोई दिक्कत नहीं, डॉल्फिन में थोड़ा मनाना पड़ता है, वो अपना कस्टमर अपना समझदार तो अपने गारंटी पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि होता कुछ नहीं है, ट्यूब ओरिजिनल में सभी बढ़िया होता है। और सीट की प्राइस की बात कर ले तो मैं अभी 180 रुपये सेल करता हूँ होलसेल प्राइस में, अपने पंक्चर वाले को देता हूँ मैं। और रिटेल में जैसा चिल्लर कस्टमर आया तो उसको 250 में देता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अगर लोकल में डायरेक्ट कस्टमर आया तो उसमें अच्छा बच जाता है बिना किसी मेहनत का, मतलब इससे कमा 10 रुपये तो रिटेल में बेचूंगा तो फोर्स की 100 रुपये बच जाएंगे, 100 रुपये या 60-70 रुपये बचते तो बहुत है भाई, दिन भर में 10-15 टूब बच गया अच्छे खासे बच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात आपको मंथली मतलब सेल्स कितना होना चाहिए, तो देखिए होलसेल का शॉप कर रहे हैं तो आपका मंथली सेल्स कम से कम तो भी 5 लाख का होना चाहिए, ठीक है, 5 लाख नहीं तो भी कम से कम 3 लाख उससे गिरा हुआ कर रहे हैं, तो मतलब मार्जिन नहीं कमा पा रहे हैं। स्टार्टिंग में 1 लाख से भी अगर आपका स्टार्टिंग में 1 लाख का भी सेल हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 सेल बढ़ते बढ़ते आप कस्टमर जैसे जैसे जुड़ेंगे आपका मतलब सेल बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप होलसेल का कर रहे हैं तो 4 से 5 लाख का सेल होना बनता है, तब जाकर 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हैं आप, तो अच्छी खासी मार्जिन हो जाएगी। और देखिए पंक्चर वाले तो कम ही करवाएंगे इसमें, क्योंकि उनका फुल मार्जिन है और हमारा मार्जिन नहीं है उसमें होलसेल के इसमें, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिना मेहनत का है भाई, बैठे बैठे और क्या चाहिए, सब 60-70 हज़ार रुपये भी कोई कम थोड़ी है अपने लिए। और रही बात सेल उल का, तो 10 लाख का भी सेल अगर हो रहा है आपका तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने शॉप में क्या क्या रखता हूँ, तो लिक्विड हो गया,
हो गया, MRFCA, डॉल्फिन, और ब्राइटन का भी एक अच्छी कंपनी है, वो भी रखता हूँ मैं। सुलेशन हो गया, सुलेशन का रेट बता देता हूँ मैं, ओमनी सुलेशन का रेट मैं 40 रुपये, ठीक है। और सत्तू का एक काम करता हूँ, सत्तू का बड़ी बड़ी रेट लगा देता हूँ, ताकि आपको होलसेल में कोई दिक्कत ना हो बेचने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीड का रेट बता देता हूँ, सीड का रेट है आप 180 रुपये, अगर होलसेल का खोल रहे हैं 180 में बेचिए, कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा रिजी कर रहा है 175 में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 रुपये आराम से बच जाएंगे आपके इसमें। और बात कर ले डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन आप 130 में बेची, मैं तो 135 इतनी से कम में नहीं देता हूँ कस्टमर्स को, और ले भी लेते हैं हैप्पीली 30 में तो ले ही लेते हैं कस्टमर, तो आप 30 में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और MRF का, तो MRF का थोड़ा ये है कि MRF थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, तो 240 रुपये में कस्टमर मतलब दुकानदार को देता हूँ मैं 240 में, क्योंकि मेरी 230 रुपये खुद की खरीदारी होती है भाई, और वो बहुत महंगा थोड़ा लगता है, ठीक है। तो बताते चले आपको कि, और नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड भाई आप 100 रुपीज का आराम से बेचिए, और फिर टायर वालों का तो 350-400 का डालते हैं भाई, उसका छोड़ दीजिए आप, उनकी बातों का छोड़ दीजिए, तो आपको उसमें भी 20-30 रुपये का मार्जिन अच्छी खासी मतलब 40-40 रुपये मिल जाएगी, आपका खरीदारी कितने की वो मैटर करता है। तो मेरे को तो मतलब एक लिक्विड में आराम से बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा रिवील नहीं कर सकता हूँ मैं तो। और पॉलिश वगैरह भी मैं रखता हूँ, 5 लीटर में 700 का पॉलिश भेज देता हूँ, 680-700 का, और 1 लीटर में 150 का तो देता हूँ मैं पॉलिश, पॉलिश भी रखता हूँ मैपल कंपनी का, जैसा आपको दिखा भी देता हूँ मैपल कंपनी है, देख सकते हैं ये मैपल है, 150 में इसका प्राइस बता दो 649 रुपये प्राइस है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ देता हूँ 150 रुपये में। शैम्पू भी रखता हूँ, शैम्पू भी आपको 150 रुपये में दे देता हूँ मैं सबको। लिक्विड कौन कौन सी कंपनी, देखिए डॉल्फिन कंपनी है, 1 लीटर में आ गया, डॉल्फिन कंपनी देख सकते हैं, डॉल्फिन कंपनी भी अच्छी है मतलब लिक्विड के मामले में सबसे ज़्यादा चलता है, और ब्लैक में डॉल्फिन है, और ब्रिजस्टोन की चलती है, मैं बताया तो आपको काउंटर पे बैठा हूँ मैं, तो देख सकते हैं ब्रिजस्टोन का लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। और थोड़ा मतलब 100 रुपये कस्टमर्स को देता हूँ, ठीक है, मतलब वैसा कस्टमर्स मतलब टायर वाले को, ठीक है। तो
और बता दे चले कि मतलब 12 नंबर 13 नंबर ट्यूब का कह रहे थे। तो देखिए मैं ये सब मैं डॉल्फिन का ट्यूब मतलब यूज़ करता हूँ, तो 190/18 मतलब ये बुलेट का डूब हो गया। तो बुलेट का डूब मैं 180 रुपये में डॉल्फिन का देता हूँ, क्योंकि सीएट का 200 रुपये रेट है। 200 रुपये अगर टायर वाला लेता नहीं है पहली बार तो ज़्यादा रेट में, तो उसके लिए मैं डॉल्फिन का रखता हूँ 180 रुपये नॉर्मल ठीक है। क्योंकि बाइक राइड करने सीट का ओरिजिनल लेता है तो उतना पड़ जाता है, तो 20 रुपये भी बहुत मैटर करता है टायर वालों के लिए। सॉरी कैमरा थोड़ा ये हो गया था। और 145/55R12 जो कि फोर व्हीलर में लगता बार बर्फीली था। तो 12 नंबर का रेट तो जान गया, तो सॉरी 12 नंबर का रेट आपको बता देता हूँ मैं, 220 का 145/55R12 देता हूँ। और सी एट की बात कर लें भले इसका 155/65R13 का डॉल्फिन में तो 240 रुपये का होलसेल प्राइस में मैं बेचता हूँ ठीक है। ऐसा अदरवाइज तो मतलब टायर वाले 550-600 में डाल देंगे तो उनका तो प्रॉफिट आसमान छूता रहता है। और बात कर ले अपना 14 नंबर की, तो 14 नंबर आपको 280 रुपये में देता हूँ मैं कस्टमर्स को डॉल्फिन का। और 15 नंबर की बात कर ले तो 390 रुपये में डॉल्फिन का देता हूँ, मतलब बोलेरो का हो गया। और 16 नंबर स्कॉर्पियो का 450 में देता हूँ मैं, तो उसका 750 रेट है कस्टमर्स का, 700-750 उनका कस्टमर्स का रेट है, तो 450 में देता हूँ। और 550 में 235/75R17 जो कि स्कॉर्पियो वगैरह में लगती है ठीक है। तो उसकी रेट आपको सबको पता चलेगी। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वही 10 रुपये 15 रुपये वाइल्ड लाइफ देता हूँ मैं, और प्रीमियम तो ज़्यादा 60 रुपये जो जाता है मार्केट में रेट है भी ज़्यादा, 60 रुपये का प्रीमियम मसाला देता हूँ, पैकेट पूरा 30 पीस आता है बस्ती का। और बाकी बात तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और टायर्स वगैरह की बात कर ले तो बारी बारी टायर का भी रेट बता देता हूँ मैं, जैसे कि पहले फर्स्ट सी एड की बात कर लेते हैं, तो सी एड का 2050/16 से बात करते हैं, 2050/16 सी एड माइलेज का मतलब फ्रंट का बात कर ले, फ्रंट का आपको पड़ेगा मतलब आपकी खरीदारी पड़ेगी 555 रुपये ठीक है, जो कि होलसेल रेट में खरीद रहे हैं आप। और मतलब टायर वाला अगर दुकान है तो आप 600 में दीजिए, वो बंदा 1000 रुपये का भेज देगा। अगर रिटेल प्राइस की बात कर ले तो 1000 रुपये तो 1200 रुपये में जाता ही है टायर का, 100-200 का ट्यूब डाल दी अपना 300 का, तो वो कि 1200-1300 में टायर ट्यूब जो डालता है तो 600-700 रुपये अच्छा खासा मार्जिन बन जाता है लूना के टायर में ठीक है। और 250/16 एट माइलेज पीछे का टायर हो गया आपका, जो कि मेरा खरीदारी पड़ता है 680 रुपये ठीक है, 680 रुपये खरीदारी पड़ता है, तो 550 का नॉर्मली दुकान वाले को दे दूंगा मैं। तो ये सब भी बात कर लेते हैं। और सॉरी आने वाला रेट तो थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मेरे लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो बात कर ले 90/16 सी एड माइलेज की, तो आपको 1050 में भेजता हूँ कस्टमर्स को, और 1150 90/16 सी एड प्लस का हो गया टू प्लस, क्योंकि तीर वाला ग्रीप हो गया वो हो गया। और 275/18 सी एड माइलेज की बात कर ले टायर ट्यूब की, तो 1380 रुपये में दे देता हूँ मैं कस्टमर्स को, क्योंकि बिल्कुल होलसेल प्राइस है 1800-1900 का दे सकते हैं 1700-1800। और बात कर ले 275/18 टी प्लस की,
तो आपको सारे 1300 में ट्यूबलेस टायर जो कि पीछे लगता है वो मिल जाएगी। और 2/17/18 फ्रंट की बात कर ले तो 1300 में आपको टायर ट्यूब मिल जाएंगे। और ट्यूबलेस की बात कर ले तो आपको 1380 रुपये का ट्यूबलेस टायर भी आ जाएगा, ठीक है। और बात कर ले 1818 सीएट जूम प्लस का हो गया तो 1450 का जूम प्लस देता हूँ मैं। और सीएट माइलेज 1818 का आपको बता दूँ कि 1500 का सीएट माइलेज देता हूँ 1818। और 1710 रुपये का देता हूँ मैं, जो कि मार्केट में वही रेट चल रहा है ना। और आप लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। और टी वी एस की बात कर लें, टी वी एस तो सस्ता ही है थोड़ा, ठीक है। तो टी वी एस का 2/17/18 आपको 1270 रुपये में दे दूँगा मैं। और बात कर ले 1818 और डेढ़ सौ रुपये। और बताते चलिए आपको कि 1780 1700 1600 रुपये में दे दूँगा, जो कि रेट 100 रुपये 110 रुपये ज़्यादा कम है। और बताते चलिए आपको 2/17/18 टायर ट्यूब, तो टायर ट्यूब आपको सिर्फ 1100 में देने वाला हूँ मैं आपको। टी वी एस का फ्रंट टायर और 2/17/17 का भी आप मान लें 17 साइज जितना भी लेंगे आप 18 साइज से टी वी एस के अंदर खास कर 18 साइज से महंगा ही मिलेगा, क्योंकि 17 साइज है ना स्पेशल टी वी एस वाला, मतलब उसका अच्छा खासा मतलब मार्केटिंग कर चुका है। तो 17 साइज पे आप इजीली टी वी एस वाला डाल सकता है, क्योंकि उसका ही कंपनी है भाई टी वी एस का, इसलिए थोड़ा उसमें मार्जिन अच्छा खासा तो रहता है वो लोग। तो 18 साइज में जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर वगैरह तो थोड़ा प्रचार कर रहा है, तो इसलिए जानबूझ के कम किया हुआ है, मतलब ज़्यादा बढ़ा के मतलब नहीं भूल पाता है उसको मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो बात कर ले अपना और दो पचास सोलह आगे पीछे सब सी के जैसे ही रेट है, उसमें कोई मतलब नहीं है। और राल को का तो भाई लोग काल पसंद ही करते, पता नहीं क्यों, बहुत ही अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्वालिटी वगैरह हो गया तो सस्ता भी टी वी एस से भी सस्ता है भाई सब लोग, ये बात तो देख ली मैंने। लेकिन बेचारा वो मार खा रहा है बस इतना कि उसकी मार्केटिंग बहुत ख़राब है और मार्केटिंग के अंदर वो फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि लोगों को मैं कितना भी समझाता हूँ, कितना भी भर भर की गारंटी और देता हूँ, भाई 3 साल में कट फट गया कुछ भी हो गया कुछ भी हो गया ले जाओ तो बड़ी क्या हो गया, जो गारंटी दे रहा है 3 साल का भी जो कंपनी दे रहा घबरा जाता है, तो उसको ऐसे डाल नहीं पाता है, पता नहीं क्यों यार, जबकि इतना अच्छा डायल बनाती है कंपनी रालसन की, उसके डालों के नाम से भी बना रही है बाइक के अंदर हो गया। तो पता नहीं वो क्या है कस्टमर का मतलब दिमाग पर छाया हुआ है हमारे यहाँ सीट, जबकि 1818 बात कर रहे हैं आपको तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 नहीं 1320 रुपये में दे दूँगा, क्योंकि उसका डीलरशिप है मेरे पास, ठीक है। ट्यूब वगैरह भी आप मार्केट से लेके 160 लेकिन मैं आपको 150 में दे रहा हूँ, 2/17/16 का ट्यूब 110 रुपये में, बताओ
यार कितना बेचो यार, वो 510 में दे रहा हूँ, खड़ा खड़ा है कि फिर प्रॉफिट है आपको। और बाजार में चले रालको की प्राइस की बात करें तो 2000 का रहा है टायर ट्यूब, आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 किलो खरीदने वाला है, 1200 भी नहीं, 60 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट आपके लिए आता रहता हूँ। देखिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें, अगर आपको कुछ भी लहंगे आओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस तरह का कॉन्टेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं एक दो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख भी लेते हैं, सब्सक्राइब भी करते चैनल को इग्नोर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा भाई मैंने वीडियो डालना है, इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, मोटिवेशन के लिए कमेंट करना पड़ेगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, खराब लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, तो बोलना पड़ेगा भाई। आपका एड्रेस बता देता हूँ, मैं फुल एड्रेस AK टायर्स नीचा कॉम्प्लेक्स रेवा रोड बिहार से, बिहार वाले जरूर कमेंट करिएगा, अगर आप लोग कौन कौन से स्टेट से भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच गई है, कहाँ ज़्यादातर तो महाराष्ट्र वाले में देखते हैं, बिहार की बिहार वाले भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ का रिजन बताता है मुझे, और कर्नाटक केरला वाले सब ज़्यादा देखते हैं, आंध्र प्रदेश सब ज़्यादा वीडियो आती है, पाकिस्तान वाले भी देखते मेरी वीडियो, ये भी सुन लो, श्रीलंका वाले देखते मेरी वीडियो, और बता दूँ नेपाल में भी जाती है मेरी वीडियो, तो ये बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं इसका, मैं बहुत सौभाग्य सब्सक्राइबर्स है, कोई आसान बात
बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने Thank you.
ये वीडियो है, 1 घंटा आप आधा घंटा देख रहे, 1,000 किलो देखे तो मतलब 500 घंटा हो गया। और ऐसे चलते फिरते 1 महीने के अंदर और वीडियो रखते रखते आपको तो 250 नॉर्मली महीने में आई जाती है मेरी, तो मेरे पास 2 महीने का टाइम है। तो आप लोग 1,000 व्यूज दे दीजिए इस वीडियो में, सिर्फ 1,000 काम नहीं चलेगा, मुझे पता है आप लोग आ रहे हो टिकते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम 20 मिनट की जाए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इंसान के लिए बॉडी टाइम तो इम्पोर्टेंट होती है। और देखिए चैनल को मैं बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, तो आप धीरे धीरे ऐसा नहीं है, सिर्फ
डेढ़ साल पहले ये स्टूडेंट हासिल की है, तो डेढ़ साल में बहुत बड़ी बात है। दस लाख तक का सफर आसान नहीं कर देना। सामान देव रखी
करना है, इसको क्या करना है, मैं मैनेज करूँगा, ये सब बातों का भी ध्यान देना है। और आज थोड़ा मैं तबियत कर रहा है यार, थोड़ा बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं मुझे मैनेज की तो और भी सोच रहा हूँ एक चैनल बनाऊ जो कि थोड़ा देश के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। मुझे देश में बहुत सारी विवादों में मतलब ये रहते ये वो उनका डमका क्या है, देश के जो प्रधानमंत्री सवाल करूँ आपके लिए लड़ूँ अपने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए लड़ूँ, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। हम लोग कब तक लेबर मजदूरी करेंगे, 10,000-15,000 में कब तक रहेंगे, मतलब हम गरीबों के लिए कुछ है क्या? बैकवर्ड का डिग्री तो मतलब कुछ समझते नहीं है दूसरे, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो और बताते चले कि वीडियो लगभग अभी थोड़ा 20 मिनट और चलने वाली है, तो तो चैनल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो भी आपको डिग्री कर दूंगा इस चैनल पर। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं, 2 महीने बाद ही मतलब शेयर कर बनाऊ में, तो वीडियो आएगा तो बता दूंगा उसको। क्योंकि देखो भाई, ये तो अपना वृंदर बिजनेस के साथ साथ अपना देश की सेवा करना के हमारा कर्तव्य है, हमारे देश को क्या चल रहा है ये सवाल नहीं उठाएंगे हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे जो देश के ठेकेदार है जो हमारे देश में देश को चलाते हैं, उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे देश के नागरिकों से मतलब मदद करे, हेल्प करे और उनके फ्यूचर के लिए कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि वर्ल्ड लेवल पर प्रणाम हो। मतलब देखा जाए ना तो मतलब मैड इन अदर कंट्री बहुत है, मैड इन इंडिया बहुत ही कम प्रोडक्ट है जो है अपने इंडिया में, तो मेक इन इंडिया मैड इन इंडिया ये नारा लगाने नहीं होगा, इसलिए करना भी होगा जरूर है। तो सिर्फ जिसने ये नारा उठाया था वही भूल गया कि भाई मेक इन इंडिया करना है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बोलने का काम नहीं होगा। तो ये आवाज फिर से उठाएंगे, ठीक है?
पूछते रहते हैं, तो ये सब दिल्ली
ग्राफी करता हूँ उसका बैटरी क्लेम करता है, कई तरह की बातें मतलब लोगों के जहन में आता है। तो उसी तरह को मतलब जहन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आज के इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।